अब मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ खोला मोर्चा। सरयू राय के खिलाफ इस मामले में दर्ज कराई FIR। सरयू राय पर लगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का आरोप। सरयू राय बोले, स्वास्थ्य मंत्री का निमंत्रण स्वीकार, दूंगा जवाब। आखिर कहां जाकर थमेगा सरयू राय और बन्ना गुप्ता का कोल्ड वॉर। इस दुनिया में दो शीत युद्धों का जिक्र हमेशा आएगा। एक शीत युद्ध बीत चुका है जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ, और दूसरा जो विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच लड़ा जा रहा है। एक कोल्ड वॉर मुख्य रूप से जासूसों के जरिए लड़ा गया, वहीं दूसरा दस्तावेजों पर लड़ा जा रहा है। बयानों को हथियार बनाकर हमले हो रहे हैं। इस शीत युद्ध में दस्तावेज महज कागज का टुकड़ा नहीं रहे, बल्कि परमाणु बम सरीखे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरयू राय के आरोप बम के जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से FIR मिसाइल दागी गई है। आरोप लगाया है कि सरयू राय ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया। धाराएं इतनी लगी हैं कि क्या बताएं। सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1932 की धारा 409, 379, 411, 120B और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने मामला दर्ज करवाया है। ऐसा लगता है मानो राजा ने मैदान में खुद ना आकर सेनापति को भेजा है कि जाओ पहले तुम निपटो, मैं मंत्री क्यों विधायक से सीधे लड़ूं। मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि घोटाला से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने आरोप लगाया है कि सरयू राय ने गलत तरीके से विभाग के सीक्रेट दस्तावेज गायब करवाए, जबकि उनको ये RTI यानी सूचना के अधिकार के तहत हासिल करना था। सरयू राय ने प्राथमिकी वाली बात पर पलटवार किया है। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर मुझे आमंत्रित किया है। भारतीय समाज की परंपरा है कि निमंत्रण को विनम्रता से स्वीकार किया जाता है। अच्छा ही है, अब शीत युद्ध नहीं बल्कि खुला संग्राम होगा। वैसे एक बात भूलना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री ने सरयू राय द्वारा लगाए गए प्रोत्साहन राशि घोटाला के आरोप के बाद कानूनी नोटिस भेजा था। तब सरयू राय ने कहा था कि नोटिस वोटिस से क्या होगा, हिम्मत है तो मुकदमा करें। लगता है बन्ना गुप्ता ने यह बात गंभीरता से लिया। उन्होंने शायद हिम्मत है यही दिखाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई होगी। गुप्ता जी ने मुझे एक निमंत्रण दे दिया है, तो निमंत्रण स्वीकार करने के बाद न्योता पुराना भी पड़ता है ना, तो ये सारी चीजें आएंगी तो न्योता पुरेगा। गौरतलब है कि सरयू राय ने कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद और अपने चहेते 60 और लोगों को गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि दिलवाई। सरयू राय ने इससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी पेश किए थे। अब स्वास्थ्य विभाग ने आरोप लगाया है कि सरयू राय ने गलत तरीके से कागजात गायब करवाए। तर्क है कि ऐसी सूचनाएं केवल RTI के जरिए ही हासिल की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कमाल की बात है, इतना वक्त लगा स्वास्थ्य विभाग को यह जानने में कि सरयू राय द्वारा पेश किए गए दस्तावेज सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, स्वास्थ्य मंत्री होना काफी नहीं, कानून की समझ भी होनी चाहिए। लगता है मंत्री जी ने यह साबित भी किया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री आरोप लगा चुके हैं कि वो पिछड़ा समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। सरयू जी को अगड़ों का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। जवाब में सरयू राय कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार का जाति से क्या लेना देना, भ्रष्टाचार तो सियासत में बहुत कॉमन है, कोई भी कर सकता है, किसी का एकाधिकार थोड़ी है। हालांकि अब देखना होगा कि सरयू राय का अगला कदम क्या होगा। सरयू राय मामले में मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करके उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे इस प्रकार के आरोप पर सरयू राय ने कहा कि CM ने गलती की है, गुनाह नहीं। कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री से यह गलती हुई है, अनजाने में हुई है, जाने में हुई है, वो गलती हुई है उनसे, मगर ये गलती ऐसा नहीं है कि कोई अपराध में मामला आ जाएगा। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in